नमस्कार। कभी कभी देखा होगा आपने कि कोई यात्री स्लीपर रिजर्वेशन करवाता है तो वह कभी कभी रेलवे उसको अपग्रेड करके AC 3 में कर देती है। ऐसे ही AC 3 में, 3 का अपग्रेड होकर के AC 2 में हो जाता है। यात्री परेशान रहते हैं कि मैंने तो स्लीपर में करवाया था, AC 3 में कैसे हो गया। और उसको जब स्लीपर का जो PNR जनरेट होता है वेटिंग में, उसको जब चेक किया जाता है तो इतनी आसानी से मिलता भी नहीं, क्योंकि PNR चेंज हो जाता है, AC 3 में अपग्रेड हो जाता है। तो इस तरह की परेशानी आती है। तो इसमें क्या है कि रेलवे ऐसी कंडीशन में अपग्रेड कर देती है कि जब स्लीपर में जगह नहीं होती, वह AC 3 की सीट्स खाली रहती हैं, बर्थ खाली रहती हैं, तो वो अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके लिए रेलवे कोई पैसा नहीं लेता। तो इस तरह की जो रेलवे जो है अपडेट्स कर देती है, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती।